बिहार सरकार ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक कर दी। अब इसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सालों से लंबित राज्य की जाति गणना रिपोर्ट को स्वीकार करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इससे राज्य में विवाद पैदा होने का खतरा है। लिंगायत और वोक्कालिगा दो प्रभावशाली जाति समूह जल्द ही जाति जनगणना मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक कर रहे हैं। उनके नेता कांग्रेस सरकार पर रिपोर्ट न मानने का दबाव बनाने का फैसला ले सकते हैं। कर्नाटक को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक माना जाता है, लेकिन राजनीति जाति आधारित है। लीक हुई रिपोर्ट से राज्य में हड़कंप मच गया, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निष्कर्षों के अनुसार अनुसूचित जाति के बाद मुस्लिम सबसे बड़ा समूह है। वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर रिपोर्ट स्वीकार न करने का दबाव डाला। रिपोर्ट के मुताबिक अब 17% आबादी के साथ सबसे बड़ी जाति मानी जाने वाली लिंगायत को तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। 14% आबादी के साथ दूसरे स्थान पर रहने वाले वोक्कालिगा को चौथे स्थान पर दिखाया गया। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस इस मुद्दे पर कूटनीतिक बयान जारी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी रुख या तो ऊंची जातियों या उत्पीड़ित वर्गों और अल्पसंख्यकों को नाराज कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक चन्नबसप्पा रुद्रप्पा ने बताया कि यह कांग्रेस सरकार के लिए एक मुश्किल स्थिति है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने जाति जनगणना का समर्थन किया, लेकिन कर्नाटक में सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषक चन्नबसप्पा रुद्रप्पा ने कहा, वोक्कालिगा और लिंगायत दावा कर रहे हैं कि सर्वेक्षण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया था। लिंगायत सवाल कर रहे हैं कि चिनप्पा रेड्डी आयोग ने जाति जनगणना कराई थी, जिसमें लिंगायतों की संख्या 17% थी और वर्तमान सर्वेक्षण में उनकी संख्या 14% है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सका। राजनीतिक विश्लेषक रुद्रप्पा ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए टिकट जातिगत गणना के अनुसार आवंटित किए जाते हैं। अन्य राज्यों में उच्च जाति, उत्पीड़ित वर्ग और अल्पसंख्यकों की द्विध्रुवीय राजनीति है, लेकिन कर्नाटक में त्रिध्रुवीय राजनीति है। यह लिंगायत बनाम वोक्कालिगा बनाम पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग को जाति जनगणना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है। एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद इसका सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे लोकप्रिय रूप से जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है, 2015 में एच कंठाराज की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। एससी और एसटी समूह बहुसंख्यक है, उसके बाद मुस्लिम है। सबसे अधिक जनसंख्या समूह माने जाने वाले लिंगायतों को तीसरे सबसे बड़े समूह के रूप में दिखाया गया है और वोक्कालिगा जो दूसरे स्थान पर थे उन्हें चौथा स्थान मिला। इन तथ्यों ने राज्य में हलचल पैदा कर दी है और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को दूसरी सबसे बड़ी आबादी के रूप में दिखाया गया था। बीएस येदुरप्पा, एचडी कुमारस्वामी और बसवराज बोम्मई सहित लगातार मुख्यमंत्रियों ने रिपोर्ट पर गौर करने की जहमत तक नहीं उठाई, यहाँ तक कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी नहीं।